राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। वहीं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र एक दर्जन से अधिक गांव व शहरों की कई बस्तियों में जनसंपर्क कर भरतपुर के विकास के लिए वोट मांगे और मतदाताओं से आग्रह किया कि इस बार चुनाव विकास को लेकर लड़ा जा रहा है। डॉक्टर गर्ग ने दर्जनों जगह जाकर लोगों के बीच जनसंपर्क किया, जहां मतदाताओं ने उनका माल्यार्पण कर व साफा बांध कर भव्य स्वागत किया। हमको सिर्फ विकास के लिए वोट देने और विकास का दूसरा नाम सुभाष गर्ग। कुछ लोगों को मेरे ये लगता है कि मैं भाई गद्दारी कर रहा हूँ मंत्री साहब के साथ। मैंने मंदिर पर भी कसम खाई थी, जैसे कैसे भी भरोसा करें मैं इनके साथ हूँ, साथ हूँ, साथ। आंदोलन किया गया है और जिस सामुदायिक भवन पर हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये सामुदायिक भवन, ये मैंने विधायक कोर से ही समाज के लिए, समाज के उपयोग के लिए, बच्चों के समाज के उपयोग के लिए बनवाया था। और आज मुझे खुशी है, 2018 में इसकी बात हुई थी, बाद में ये तैयार हो गया था, बीच में इसका लोकार्पण नहीं किया, आज उसी सामुदायिक भवन में हम मीटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं आपका बधाई भी। और 5 वर्ष मैंने भी काम करने की कोशिश की है, हो सकता है मैं 100% में विकास के कामों को गति दी जाए और 3600 कामों के जो भी कार्य हो सकते हैं उन कार्यों को गति दी जाए। शिक्षा जो पंचायत है इसमें मैं कह सकता हूँ करीब करीब टोटल मिला करके जो सड़कों का काम हो रहा है पंचायत से कराए हैं, विधायक उससे कराए हैं, करोड़ों रुपए के काम पूरी पंचायत में हुए। और देखिए मेरे को ध्यान नहीं रहता है, 4 सामुदायिक भवन जिस समाज ने मांगा उसको दिया, जगह चाहिए और मेरे सरकार सामुदायिक भवन के लिए करेगा। इससे ज़्यादा नगलिया केसरिया वालों और पंचायत वालों कुछ चाहिए क्या? तो अपनी माता बहनों से सभी छत्तीसगढ़ कभी देखा क्या क्यों भाई भी है? अब जो आपने बताया पानी की प्रॉब्लम दूर हो गई, आप हो गई है, इसलिए हाथ जोड़ के ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज जो 5 नंबर पर है, 5 नंबर जो मशीन का बटन दबाओगे तो 5 नंबर देंगे, मेरा फोटो भी होगा और मेरा चुनाव चिन्ह हैंडपम्प भी होगा। ये घर है, ज़रा कहने की जरूरत नहीं है। और अभी से रिपोर्ट, एक भी वोट छूटे नहीं मेरी, एक वोट अगर कोई डालने नहीं गया ना, चाहे मेरी